दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट विकेट विकेट, तीन गेंद पर तीन विकेट चटकाकर न केवल जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा, बल्कि अब ऐसे ऐसे महारिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी हैं जिनकी बराबरी कर पाना वर्तमान तो क्या भविष्य में भी किसी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पाएगी। तो आखिर कैसे जडेजा के तूफान में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, अपनी आखिर कातिलाना गेंदबाजी से कितने बड़े बड़े महारिकॉर्ड जडेजा ने अपने नाम किए, उनकी खौफनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, कुलदीप और अश्विन में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर सातवें आसमान पर उड़ रही ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घमंड को साथ में लेकर उतरी तो थी, लेकिन उनके पर कुतर कर रख दिए हैं भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि चेन्नई के मैदान पर इंडिया का दबाव रहेगा, और ऐसे ही हमें देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर फैसला तो किया, लेकिन अब यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जहां मैदान में उतरते भारतीय गेंदबाजों ने उनकी कमर तोड़नी शुरू कर दी। लेकिन असली तबाही तो रोहित शर्मा के ट्रुप किक के रविंद्र जडेजा ने मचाई है, जिन्होंने अपनी जादुई फिरकी से ऐसा जाल बुना जिसके आगे ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी अपने घुटने टेक कर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रविंद्र जडेजा ने सबसे पहले शिकार किया स्टीव स्मिथ का। यह खिलाड़ी अपने अर्धशतक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया की वापसी कराने में जुटे हुए थे। लेकिन जैसे ही जडेजा को रोहित ने बुलाया, उनके सामने स्मिथ तो एक गेंद भी नहीं टिका पाए, और पहले ही गेंद पर जडेजा ने स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि ये तो केवल एक नमूना मात्र था, अब तो उनके मुख खून लग चुका था और जडेजा अगले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर कर दी। जी हाँ दोस्तों, वो था पारी का 30वां ओवर, जिसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कभी भी नहीं भुला पाएंगे। इसमें दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मार्नस लबुशेन का शिकार किया और राहुल के हाथों कैच आउट कर उन्होंने इस बल्लेबाज को वापस भेजा। तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को तो उन्होंने खाता भी खोलने नहीं दिया और गोल्डन डक बनाकर अपने चेहरा छुपाते हुए कैरी को पवेलियन लौटना पड़ा, जहां रविंद्र जडेजा की जादुई गेंदों को खेल पाने में ये तीनों बल्लेबाज नाकामयाब साबित हुए और रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे बड़े बल्लेबाजों का शिकार कर टीम इंडिया की इस मुकाबले में जीत की दास्तान लिख दी थी। केवल इतना ही नहीं, इसी के साथ जडेजा ने बड़े बड़े गेंदबाजों को भी पछाड़ डाला था। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अकेले धाराशायी करना केवल जडेजा के ही बस की बात नहीं हो पाती है। उन्होंने एक साथ तीन विकेट लिए और दिखाया कि उनके जैसा शानदार खिलाड़ी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और अकेले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान तक बिठा दिया। दोस्तों, बुमराह की खतरनाक गेंद पर विराट कोहली ने ऐसा कैच पकड़ा ना कि देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम की हवाइयां उड़ गई और हजारों की संख्या में बैठा क्राउड कोहली कोहली के नाम से नारे लगाने लगा। कोहली का यह अद्भुत कैच, जिसके आगे हमें मिला ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा विकेट, इस कैच का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, आज भारत ऑस्ट्रेलिया में से मैच कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, असल जंग वर्ल्ड कप की आज से शुरू हुई है। आपको बता दें कि अब तक बाकी 8 टीमों ने अपने अपने हिस्से की लड़ाइयां लड़ ली थी, लेकिन सबका ध्यान भारतीय टीम पर था भाई। वर्ल्ड कप हमारे घर में जो हो रहा है, और दोस्तों हमारा पहला मुकाबला उस टीम के साथ है जिसने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है वनडे फॉर्मेट में, ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। दोस्तों, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में जैसे ही भारतीय टीम मैदान में कदम रखती है तो स्टेडियम का माहौल बदल जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस भावुक भी होते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी। खैर दोस्तों, टॉस में तो रोहित की किस्मत साथ देती रही, वो टॉस हार जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी चुन लेती है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी को संभालते हैं डेविड वार्नर व मिशेल मार्श, लेकिन लगता है कि वो बुमराह नाम की पढ़ाई ढंग से नहीं करके आए, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, आते ही जसप्रीत बुमराह ने ऐसा झटका दिया ना आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे बिल्कुल भी। ये वाक्य पारी के तीसरे ओवर का है, अब तक 5 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगे थे, और नई गेंद से कप्तान साहब सबसे ज्यादा भरोसा आजकल बुमराह और सिराज पर ही तो करते हैं। लेकिन दोस्तों, बुमराह ने अपना काम तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कर ही दिया। देखिए, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में भले ही हाई स्कोरिंग मैचेस कम होते हो, लेकिन यहाँ की जो पिच है ना, यहाँ पर बाउंस और स्पिनर को टर्न बहुत ज्यादा मिलता है। और दोस्तों, एक्स्ट्रा बाउंस का इस्तेमाल करते हुए आउटसाइड ऑफ की तरफ इस गेंद को डालते हुए बुमराह ने जानकर मिशेल मार्श के बल्ले का एज लगवाना चाहा और वो इसमें कामयाबी हो गए। गेंद इनके बल्ले का एज लेकर स्लिप में खड़े विराट कोहली की तरफ गई, लेकिन कैच इतना भी आसान नहीं था। दोस्तों, विराट कोहली ने एक घातक एक्रोबैटिक डाइव लगाकर इस कैच को पकड़ा और मिशेल मार्श का विकेट ना 0 रन पर भारत को मिल गया था। और दोस्तों, ये कैच इतना ज्यादा शानदार था कि अंपायर ने एक क्षण नहीं लगाया अपनी उंगली खड़ी करने में और खिलाड़ी को आउट देने में। वो जानते थे कि विराट कोहली की एक्यूरेसी गलत तो नहीं हो सकती। खैर दोस्तों, विराट के इस कैच ने
बुमराह की इस रफ्तार ने भारत को पहला विकेट दिलाया और इस मैच में जीत की नींव रख दी है ऑलरेडी। वैसे आपको बता दें, जब पहला विकेट पावर प्ले में गिरता है ना, तो बड़े से बड़ी टीम भी हिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया क्या चीज है। लेकिन फिर भी दोस्तों, बुमराह की रफ्तार और कोहली के इस अद्भुत कैच को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, जिसे देखकर रोहित भी हैरान थे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में कुचलने के लिए अब कप्तान रोहित ने टीम इंडिया के साथ एक साथ 4 बड़े बदलाव कर भारत की प्लेइंग 11 की सूरत ही बदल दी है। तो आखिर गिल की गैर मौजूदगी में क्या धवन की कराई है रोहित ने वापसी? आखिर गिल के अलावा और किसे दिखाया मास्टरमाइंड रोहित ने टीम से बाहर का रास्ता? ऐसे कौन से सुपरस्टार खिलाड़ी को किया शामिल जिसका नाम सुनकर ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कांप उठेंगे? इन बड़े बदलावों के साथ कैसी नजर आ रही है भारत की पूरी प्लेइंग 11, 11, ये सब हम दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, विश्व कप का धमाकेदार आगाज हो चुका है जिसमें अब तक ऐसा महामुकाबला देखे गए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे में अब मेजबान भारत से उम्मीद कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि यदि अपनी सरजमी पर हिंदुस्तान विश्व कप नहीं जीत पाया तो फिर लानत है हम पर। इसी कारण टीम इंडिया पूरे तरीके से कमर कस चुकी है दुनिया भर की सभी 9 टीमों को कुचलते हुए फाइनल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए। लेकिन इस रोमांचक सफर की शुरुआत 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महामुकाबले से होने जा रही है, यानी कि पहले ही मैच में भारतीय टीम को अंगारों पर चलना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये रोमांचक मैच 8 अक्टूबर यानी कि मैच कुछ ही घंटे के भीतर महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ एमएस चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और यह पिच तो स्पिन की कितनी मुफीद है इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। उस हिसाब से देखा जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरीके से भारी नजर आ रहा है, लेकिन इतिहास तो कुछ और ही गवाही देता है। जी हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब पिछली बार यह मैच हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरीके से पटखनी दी थी, यानी कि अब न सिर्फ हमेशा पिछली हार का बदला लेना है बल्कि विश्व कप में अपने फैंस को एक खूबसूरत तोहफा भी देना है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। दोनों के पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं जो चिदंबरम के छोटे स्टेडियम में बड़े बड़े कारनामे करने का दम रखते हैं। तो वहीं टीम इंडिया के सबसे बड़े हथियार शुभमन गिल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि डेंगू हो जाने के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल सकता है। इस कारण ही अब प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करने की जरूरत पड़ गई है जो कोई भी नहीं चाहता था। लेकिन अब दिल पर पत्थर रखकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कैची चलाते हुए करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ इस साल वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले शुभमन गिल को प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ा, तो अब उनकी जगह रोहित ने पॉकेट डायनामो ईशान किशन पर भरोसा जताया है, जो उनके साथ भारतीय टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाते हुए हमें नजर आने वाले हैं, यानी कि लंबे समय बाद क्लासिकल लेफ्ट और राइट हैंड की ओपनिंग जोड़ी भारतीय टीम में भी वापस आ चुकी है। हालांकि किशन गिल की बराबरी कर पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो वहीं नंबर 3 के पायदान पर टीम इंडिया की बैकबोन किंग कोहली पर रोहित ने सबसे अधिक भरोसा जताया है। उनका बल्ला चलना भारतीय टीम के इस विश्व कप में जीत की दास्तान लिखने वाला है। ऐसे में उनके बल्ले के जादू देखने हर कोई बेकरार है। नंबर 4 के पायदान पर हमें कमाल लाजवाब राहुल नजर आने वाले हैं, जो बतौर विकेट कीपर भी मैदान में उतरेंगे। तो वहीं 5वीं पोजीशन पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी सूर्या पर एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने भरोसा जताया है, यानी कि श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 से पत्ता कट चुका है, जो उनके फैंस के लिए बेहद बहुत बड़ा झटका है। नंबर 6 के पायदान पर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट को लीड करते हुए हमें कुनफू पांड्या नजर आने वाले हैं, जिनका साथ निभाने के लिए स्पिन ट्विन या कहें भारतीय टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की एंट्री टीम इंडिया इस वक्त की सबसे खतरनाक टीम बन जाती है, जहां इन तीनों के कंधों पर अपनी घातक गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी से भी मैचेस का रुख पलटने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी रोहित ने दी है। तो वहीं चेन्नई के पिच पर कंगारुओं को बकिया उधेड़ने की जिम्मेदारी कुलदीप यादव की फिरकी पर सौंपी गई है, जो रोहित के ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं। तो वहीं अंत में 2 सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों को भी कप्तान ने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है। जी हां, जहां एक तो रोहित के चहेते जसप्रीत बुमराह भारतीय पेस अटैक को लीड करने वाले हैं, तो उनके साथी के रूप में कप्तान ने मोहम्मद शमी नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया है, यानी कि वनडे का नंबर 1 गेंदबाज और वनडे का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कंगारुओं पर कहर बनकर टूट पड़ने के लिए बेकरार है। जहां ये प्लेइंग 11 तो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी के भी ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं, जो कि इस वक्त सबसे मजबूत कड़ी भारतीय टीम की साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ चेन्नई में कप्तान रोहित शर्मा 11 भारतीय शेरों के साथ ऑस्ट्रेलिया को खदेड़ने के लिए कदम रख चुके हैं।
सिक्का भी उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर रोहित शर्मा के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया का दिन में तारे दिखा दिए। तो आखिर खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर कितना हो गया भारत का स्कोर, किस बल्लेबाज ने ठोका है शतक, सबसे तेज शतक कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है कितने रनों पर, इस मुकाबले की एक एक लाइव अपडेट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और डेविड वार्नर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट के महाकुंभ वनडे विश्व कप का शंखनाद धमाकेदार हुआ है। ऐसे में महामुकाबले खेले जा रहे हैं जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो वहां दूसरी तरफ मेजबान भारत की ब्रिगेड या यूं कहें रोहित शर्मा एंड कंपनी ने भी अपने विश्व कप का सफर का आगाज किया है, जहां हमारे सामने चुनौती लेकर खड़ी है 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम। यानी कि पहले मुकाबले में भारतीय टीम को अंगारों पर चलना होगा और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि ये पहला मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पिछली बार जब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई थी तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरीके से हराया था। उसकी कड़वी यादें आज भी हमारे जहन में बसी हुई हैं। लेकिन लाइव मुकाबले में जाने से पहले आपको बता दें कि इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पूरी दुनिया में विश्व कप का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में किया जा रहा है। जहां टीवी पर आप इसका लुफ्त स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं, तो वहीं स्टार के ही प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी मुफ्त में की जा रही है।